द्विघात समीकरण के गुणों के प्रथम पाठ में मैंने आपको द्विघात समीकरण के गुण, मूलों का योग और मूलों के गुणनफल तथा एक सवाल लिया था। उस सवाल का आधा पार्ट एक पार्ट में था, उस पर आगे का पार्ट देखते हैं। दूसरा उस सवाल का दूसरा क्वेश्चन है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपके पास फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने पहले भी बताया है, इसके पहले वाले सवाल में कैसे तोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में और माइनस टू अल्फा बीटा। तो यहाँ माइनस टू अल्फा बीटा और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस थ्री अल्फा बीटा हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ रहा था, थ्री बाई टू से। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या रख दिया मैंने, थ्री बाई टू। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, थ्री बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा बीटा कितना है, टू है और उसके मल्टीप्लाई में क्या है, थ्री है, थ्री इंटू टू हो जाएगा, थ्री बाई टू। यहाँ हो गया नाइन बाई फोर और थ्री टू जा सिक्स, एलसीएम लिया फोर आ गया, फिर से मल्टीप्लाई कर लिया, नाइन वन जा नाइन, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर। और नाइन ट्वेंटी फोर माइनस किया कितना आ गया, फिफ्टीन बाई फोर। फिफ्टीन को थ्री से मल्टीप्लाई किया, फोर्टी फाइव हो गया और फोर टू जा एट। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का इससे मान निकल कर आ जाएगा। ऐसे वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा को सॉल्व करना है, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा को सॉल्व करना है। तो अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, बीटा वन, ठीक है, वन से मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा वन से मल्टीप्लाई हो गया, तो बीटा प्लस अल्फा आ गया। अब बीटा प्लस अल्फा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान, बीटा प्लस अल्फा का मान, दोनों का मान बराबर होगा, कितना होगा, थ्री बाई टू। अल्फा बीटा कितना है अपना, टू है, टू बाई वन लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वन थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन थ्री जा थ्री हो जाएगा और एट टू टू आपस में मल्टीप्लाई होगा, फोर हो जाएगा, थ्री बाई फोर के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर। इसको भी एलसीएम लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ऊपर प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई अपॉन में अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। और अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू की होल का क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे और माइनस टू इंटू टू। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, टू है और यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी रहती है, टू, टू का स्क्वायर आएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद नाइन बाई फोर हो गया, फिर माइनस फोर बाई वन हो गया, बटे में क्या आ गया, फोर हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू माइनस सेवन बाई सिक्सटीन आ जाएगी। इस प्रकार से हम इससे संबंधित और सवाल आप लोग बुक में देखिएगा, आपको बुक में मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, उसको सॉल्व कीजिएगा, जो भी समझ में ना आए वो आप हमसे संपर्क कीजिएगा।